निर्माता शमीम अख्तर व निर्देशक संजीव त्रिगुनायत की हिंदी फिल्म रेड पंच का पीवीआर में हुआ फर्स्ट लुक लॉन्च। चीफ गेस्ट मीत ब्रदर्स ने दी प्रोड्यूसर डायरेक्टर व पूरी टीम को शुभकामनाएं। निर्माता शमीम अख्तर और लेखक निर्देशक संजीव त्रिगुनायत की हिंदी फिल्म रेड पंच का भव्य फर्स्ट लुक मुंबई के पीवीआर सिनेमा में आज किया गया। इसके चीफ गेस्ट संगीतकार मीत ब्रदर्स थे। रोशनी मूवीज के बैनर तले बन रही यह फिल्म किन्नर के विषय पर है। यहां मीडिया की भी भारी संख्या मौजूद थी। सभी मेहमानों ने प्रोड्यूसर शमीम अख्तर और लेखक निर्देशक संजीव त्रिगुनायत को इस फिल्म के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिल्म के हीरो अमाद मंटो हैं। इसमें योगिराज, सना अली खान, रमेश गोयल, इशरत अली, शवास खान, शहजाद खान, राकेश बेदी, दीपक वर्मा, के गोस्वामी, बीरबल, फिरोज पठान, शिवा रिंदानी, धर्मेंद्र, हेमंत बिरजे, रोना काली, जारा खान, जेनिफर, भाग्यश्री जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे। मीत ब्रदर्स ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक और हीरो अमाद को बधाई दी और कहा कि आज कंटेंट चल रहा है, इसकी कहानी काफी अलग है, समाज को संदेश देने वाली है। डायरेक्टर की कुछ है रेड पंच ये हमारे डायरेक्टर का है रेड पंच। रेड पंच जो एक किन्नर के ऊपर ये पिक्चर है। एक लड़का कहाँ से कहाँ जाता है और उसको किन्नर बना देते हैं और एक समाज में हम लोग मैसेज देने के लिए पिक्चर बना रहे हैं और इसका पूरा शूट हम लोग बनारस कर रहे हैं। 15 मार्च से इसकी शूटिंग शुरू कर रहे हैं। कलाकार हमारे बॉम्बे से भी हैं और हमारे प्रदेश से भी हैं। कौन हैं जरा उनके बारे में बताइए। अमाद मिंटू, सना खान, फिरोज खान और बाकी हमारे डायरेक्टर सब पूरे लोगों को बताएंगे। इस फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ हुई? बनारस। बनारस। हाँ, 5 घरें हैं। नहीं, ये हमारी फिल्म किन्नर के ऊपर पूरी है। क्या समझा? उसके ऊपर ही पूरी फिल्म है। सबसे पहले आप सभी का नमस्कार। मैं हूँ सना अली खान और रेड पंच में मैं एक बहुत ही अच्छे भूमिका में नज़र आने वाली हूँ। बेसिकली एक किन्नर हूँ और अभी रिवील कर देती हूँ, मैं किन्नर का एक्ट प्ले कर रही हूँ उसमें। और ये फिल्म काफ़ी आई थिंक मैं 5 ईयर से वेट कर रही थी इस फिल्म के लिए। अब जाके फाइनल हुआ है कि अब हम फाइनल शूट करने जा रहे हैं मार्च में। जैसा कि सर ने बताया कि ये मार्च में शूटिंग होगी तो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और ये एक चैलेंजिंग रोल है मेरे लिए और मुझे लगता है कि मैं इस रोल को बाखूबी निभा सकती हूँ। तो बस आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिए, ये फिल्म बहुत अच्छी बने और सारे आर्टिस्ट को भी आप लोग अपना प्यार स्नेह दीजिएगा। और मेरी अपकमिंग फिल्म है बैंडेड शकुंतला जो अभी हाल में रिलीज़ होने वाली है और वो है मधुबनी की जो डकैत थी रियल उसी के बेस पे बनी है ये फिल्म। तो अभी बहुत जल्द रिलीज़ पे है वो और बाकी 2-3 है अभी वो पेंडिंग है तो उसके बारे में अभी बताकर कोई मतलब नहीं है। जब वो रिलीज़ होगी तो बताऊँगी कि हाँ होने वाली है। मेरा नाम संजीव त्रिगुनायत है और मैं जो हूँ शॉर्ट फिल्म की थी मैंने, एक जो एक मंत्री जो रहता है, मंत्री ने एक रिपोर्टर को मार दिया था तो उस पर मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी। सपा सरकार मेरे पीछे पड़ गई थी उस कारण, तो मुझे मुंबई भाग के आना पड़ा तो मैं यहाँ स्ट्रगल करने लग गया। यहाँ मेरा दिमाग ये रहता था कि मैं लिखूँ, कुछ अच्छा लिखूँ। एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया कि ये रेड पंच को जब मैंने लिखा तो लिखने के बाद कुछ चीज़ें इससे ऐसी रहीं कि मैंने जो लिख दिया वो 2 महीने बाद पूरा हो गया। जैसे लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी जो हैं, कल उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला, फ़ोन पर ही बात हुई थी, वो आ नहीं पाई। तो मैंने जब उनको मैंने लिखा था स्क्रिप्ट में कि लक्ष्मी नारायण को किन्नरों का महामंडलेश्वर बनाया गया, 2 महीने बाद उनको बना दिया गया था। तो ये मतलब ऊपर गॉड गिफ्ट है, ये महादेव की कृपा है बस। तो मैं लिखता रहता हूँ ऐसे ही। और ये फिल्म हम लोग करने जा रहे हैं, शमीम भाई ने इस पर साथ दिया है पूरा और हम लोग कर रहे हैं इसको बनारस में। जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? जी मैंने 5 लगभग 6 महीने में उनके साथ ही रहा, उनके साथ ही लाइफ जी है मैंने।
उनको खाना बना के भी खिलाता था मैं, वो मुझे खिलाते थे मैं उनको खिलाता था, वो कैसे रहते हैं ये सब सीखा है मैंने, उनके हाव भाव क्या होती है, उनकी बोली क्या है, कैसे इशारे करते हैं क्या, सब कुछ मैंने सीखा, एक एक चीज़ पर काम किया है। कमजोरी तो बताना नहीं चाहूँगा मैं, वो गलत होगा। सर शुरू तो अच्छी हो रही है, आप लोग का साथ है तो इस सब से कर रहे हैं, तो मैं भी किन्नर का रोल कर रहा हूँ उसमें। देखिए मेरा नाम रौनक अली, और जैसे कि फिल्म के पोस्टर से ही रेड पंच आप लोगों को पता चलता है कि ये फिल्म जो है किस विषय पर आधारित है। तो अब किस विषय पर आधारित है ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल में, जैसा कि गोयल सर ने कहा, हमारे काफ़ी सीनियर हैं, जैसे गोयल सर ने कहा कि इसके बारे में आर्टिस्ट को ना ही बताने की बहुत ज़्यादा इजाज़त होती है और ना ही मेरे ख्याल से मुनासिब होता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, यानी कि शमीम अख्तर साहब हैं, और हमारे डायरेक्टर साहब हैं श्री संजीव तुरगुनाय जी, वही इसके बारे में ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन चूँकि उनका काम मैंने पहले देखा है, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि ये फिल्म यकीनन समाज को एक नई दिशा देगी, जिससे इस तरह के लोग एक अपने आप में एनर्जी और ताकत महसूस करेंगे, जो समाज के अंदर उनका तिरस्कारित नज़रों से देखा जाता है। यकीनन इस फिल्म को देखने के बाद में उनको भी एक बेहतर जिंदगी जीने की एक दिशा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोगों का सहयोग है और आगे भी सहयोग रहेगा, किसी फिल्म को हिट बनाने के लिए या किसी फिल्म को पुशअप करने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और संजीव तुरगुनाय जी ने और शमीम अख्तर साहब ने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ बुलाया, और संयोग से मैं इस फिल्म में काम भी कर रहा हूँ। करेक्टर भी मेरा कुछ इस तरह से, मुझे अपने मुँह से कुर्बानी देने पड़ेगी, कोई बात नहीं, वह ऐसा होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और प्रेस के सामने मुझे बैठाला, इस बात के लिए विशेष आभार शमीम अख्तर साहब और संजीव तुरगुनाय जी का और सभी लोगों का, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं एक्चुअली मैंने ये मूवी में काम नहीं किया है, पर मैं सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। मेरे फ्रेंड है योगी राज, तो उनकी ये मूवी है और आज पोस्टर लॉन्च है, तो मैं उनको सपोर्ट करने के लिए स्पेशल आई हूँ। सो कंग्रेचुलेशन योगी राज, आपकी PVR के अंदर आपका पोस्टर लॉन्च हो गया। बहुत अच्छा लगता है जब अपने दोस्त और अपनी पिक्चर का जब पोस्टर लॉन्च हो, ट्रेलर लॉन्च हो, तो बहुत अच्छा लगता है। सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू द ऑल टीम्स, इनके जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ऑल एक्ट्रेस, मैं सबको कंग्रेट्स करना चाहूँगा। मैं नमस्कार, मैं एक्टर प्रोड्यूसर विकी हाडा। मैं सबसे पहले तो बधाई दूंगा योगी राज को, योगी राज मेरा फ्रेंड है, और पोस्टर इतनी अच्छी जगह लॉन्च हुआ है तो मुझे लगता है कि सिनेमा भी इतनी अच्छी, इससे बड़ी जगह लॉन्च होगा और बहुत चलेगा, क्योंकि सभी लोग अभी वापस से सिनेमा आ गया है, हम लोग कोविड से बाहर आके और सभी लोग काम कर रहे हैं, इसकी बहुत खुशी है मुझे। और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आने लगे हैं, ये एक अलग तरह का सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे उसके साथ में डिस्कस हुई थी तो उसने कहा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है और वो पहली बार ऐसा कुछ अलग काम कर रहा है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं उनको, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और सब मीडिया को जो आप उसे कवर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अशोक भाई क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे लिए आ गए हमारे भाई, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत बहुत देरी से वेट कर रहा था कि आए नहीं। बहुत दूर से आया हूँ मैं, पनवेल में था, वहाँ से आया हूँ। मेरी फिल्म है और मेरे भाई संजीव जो है उसे डायरेक्ट कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई शमीम भाई उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, और अभी इनके पास सब्जेक्ट्स, इन दोनों के पास सब्जेक्ट्स का खजाना है, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। एंड वेरी नाइस सब्जेक्ट, और इंशाल्लाह ये फिल्म जो है कमाल करेगी। जी 5 सॉन्ग है इसमें, गानों के अलावा जो इमोशंस में जो पकड़ है इसकी और जो हकीकत दिखाई गई है जो उन लोगों के बारे में, वो जिनके बारे में लोग बहुत कम तवज्जो देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ जो है हमारे डायरेक्टर साहब ने दिखाई है और पूरी तरह से दिखाएंगे, और पूरे हिंदुस्तान की आवाम नहीं, पूरी दुनिया की आवाम देखेगी। हाय, माय नेम इज़ भाग्यश्री तालुकदार। ये मूवी के लिए सबको शुभकामनाएं, और संजीव सर को बहुत बहुत बधाई, और बहुत अच्छा करेक्टर, बहुत अच्छा स्टोरी है, प्लीज़ आप लोग आइए और देखिए। कंग्रेचुलेशन। ये अच्छी, हाँ रोल कर रही हैं ये इसमें, और अच्छी आर्टिस्ट है ये, और ये तो अच्छा ही करेक्टर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।